हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में बायोलॉजी विषय में कोई खास क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और आप जो है इसको अनसर्टेन तरीके से लिख के आ जाते हो, लेकिन आपको परीक्षा में भी सिस्टमैटिक ढंग से लिखना है और अपनी बात को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझाना भी है, मतलब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। तो उसी दृष्टि में आपसे पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, या मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पादप के चुनने के क्या कारण थे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ उन्होंने मटर में ऐसी विशेषताएं देखी होगी जिससे आनुवंशिकता के नियमों को समझाने में सरलता गई होगी। तो देखते हैं क्या वो चीज़ें थीं, क्या वो विशेषताएं हैं मटर के पौधे में जिसके लिए मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पादप का चुनाव किया, यानी मेंडल के प्रयोग में मटर के चुनाव का कारण क्या था। देखिए, मटर का पादप वार्षिक है। वार्षिक का तात्पर्य है कि मटर का पादप जो है एक वर्षीय है, यानी मटर का पौधा एक वर्ष की फसल है। एक वर्ष की फसल यानी एक वर्षीय पादप है। इसकी जो जीवन अवधि है एक वर्ष की होती है, अर्थात इसकी जीवन अवधि कम है। मटर का पादप वार्षिक है, अतः इसका जीवन चक्र छोटा है, जिससे कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियों के अध्ययन में सुविधा मिलती है। यानी कि मटर का पौधा जब एक वर्ष में तैयार हो जाता है, जिसके कारण इसका जीवन चक्र यानी इसकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही शॉर्ट है, जिसके कारण मेंडल को ये लाभ मिला कि उन्होंने कम समय में इसकी कई सारी पीढ़ियों पे अध्ययन कर पाए। यानी अगर कोई पौधा मान लिया बहुवर्षीय पौधा ले लिया होता जिसकी जीवन अवधि कई साल है, यानी उसकी जो फलन की क्रिया है उसमें कई साल बाद आती है। जैसे मान लिया आम का पौधा ले लिया, तो जनरली जो आम का पौधा है मतलब लगभग में 4 या 5 वर्ष में आम के फल देता है, तो उस पर आनुवंशिकता को सिद्ध करने में कितना समय लग जाता, यानी कम से कम 4 यानी पीढ़ियां अगर सिद्ध करनी है तो 20 साल चाहिए थे। तो इसलिए उन्होंने मटर के पादप का चुनाव किया जिससे कम जीवन अवधि होने के कारण उन्होंने कम ही समय में उसकी कई पीढ़ियों के में अध्ययन कर लिया, ये फायदा हुआ। अगला पॉइंट, मटर के पादप में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, यानी मटर के पादप में द्विलिंगी से तात्पर्य है दो लिंगों वाले पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात मटर के एक ही पादप में जो है दो प्रकार के पुष्प यानी कि नर व मादा जननांग उपस्थित होते हैं, या नर व मादा पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, तो मटर के पादप पर क्या था कि द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, यानी इसके पुष्प में नर व मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। ये फायदा मिला उनको सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो है संकरण कराने के लिए एक नर और एक मादा दो की आवश्यकता होती है, और नर और मादा अगर एक लिंगी पादप ले लिया होता तो उन्हें अलग अलग प्रकार के पादपों को पास पास में रोपित करना होता, जिससे कई बार वो समस्याएं आती। इसलिए उन्होंने द्विलिंगी पादप का चुनाव किया जिसमें नर व मादा दोनों प्रकार के पुष्प एक ही पादप पर उपस्थित थे। इसके बाद मटर के पादप में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। तो मटर के पादप में अनेक तुलनात्मक लक्षण यानी जो आपको बताया है हमने, 7 जोड़ी विपर्यास लक्षण या विपरीत लक्षण, जो कि मेंडल ने अपने प्रयोगों को करते समय उन 7 लक्षणों का चुनाव किया था, जैसे तने की लंबाई, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, इस प्रकार के उन्होंने जो है 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का चुनाव किया था या विपर्यास लक्षणों का चुनाव किया था। तो जाहिर सी बात है
कि जब वो विपरीत लक्षणों का चुनाव उन्होंने मटर के पौधे में देखे होंगे या मटर के पौधों में वो तुलनात्मक लक्षण उपस्थित होते हैं, इसी कारण उन्होंने मटर के पादप का चुनाव किया। अगला पॉइंट, इनमें स्व परागण की क्रिया पाई जाती है, क्योंकि मेंडल ने अपने नियमों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने फर्स्ट जनरेशन के साथ करने के बाद सेकेंड पीढ़ी यानी यफ टू पीढ़ी में कई बार स्व परागण भी कराया है। स्व परागण आपको पता ही है कि जो पहली पीढ़ी की संतति प्राप्त होती हैं यानी यफ वन जनरेशन की या फर्स्ट जनरेशन की जो संतति प्राप्त होती हैं उन्हीं संतति को यानी उन्हीं के साथ पुनः संकरण करा दिया जाता है, तो उसे हम स्व परागण कहते हैं। तो स्व परागण की क्रिया मेंडल ने मटर के पौधे में आसानी से कराई है। यहाँ आपको जो है मेंडल के द्वितीय नियम, मेंडल के तृतीय नियम दोनों में पढ़ने को मिला है, उन्होंने दोनों में ही स्व परागण की क्रिया कराई है। तो इसलिए स्व परागण की क्रिया मटर के पौधे में जो है होती होगी, सामान्य रूप से ये गुण उपस्थित होगा, इसीलिए मेंडल ने मटर का चुनाव किया। इसमें कृत्रिम परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है। आपने देखा है कई बार हम सुनते हैं हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड पौधे जिन्हें हिंदी में कहते हैं संकरित बीज, संकरित पौधे, जिसमें क्या होता है कि उन्नतशील किस्मों या उन्नतशील फसलों की बीज तैयार किए जाते हैं जिससे उत्पादन की अधिक मात्रा हो। तो इसके लिए कृत्रिम रूप से पौधों के बीच में परागण कराया जाता है, आर्टिफिशियल रूप से परागण कराया जाता है। जैसे एक जो कह सकते हो आप कि एक लंबे तने का पौधा और एक शुद्ध बौने तने के पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है तो संकरित लंबे तने वाले पौधे प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से किसी दूसरे प्रकार दूसरा लक्षण ले लिया जाए कि अधिक उत्पादन वाले पौधे के साथ कम उत्पादित वाले पौधे का संकरण कराया जाए कृत्रिम रूप से, जिससे क्या होगा कि पहली जनरेशन में जो संतति प्राप्त होगी वो अधिक उत्पादित बीज वाली होगी और साथ में संकरित भी होगी यानी हाइब्रिड भी होगी। तो इस प्रकार से हाइब्रिड बीज तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम परागण विधि अपनाई जाती है। तो ये कृत्रिम परागण की जो विधि थी ये मेंडल ने मटर के पौधे पर इम्प्लीमेंट की, जिससे मटर के पौधे में ये कृत्रिम परागण आसानी से कराया जा सकता है। तो मटर के पौधे में जब कृत्रिम परागण कराया जा सकता है जिससे क्या हुई, आनुवंशिकता का अध्ययन करने में आसानी हुई, इसलिए मटर के पौधे का चुनाव किया। संकरण द्वारा प्राप्त संतति पूर्ण उर्वर या जनन क्षम होती है, यानी जब दो पौधों के बीच मेंडल ने क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो उससे जो संतति प्राप्त हुई वो दोबारा अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करने में सक्षम थी, मजबूत थी, यानी कि संतति पूर्ण उर्वर। पूर्ण उर्वर से तात्पर्य है कि जो हमें संतति प्राप्त हुई संकरित संतति वो फिर से नई संतति उत्पन्न करने में सक्षम है, अपनी जैसी जो है प्रजनन द्वारा या जनन द्वारा अपनी जैसी नई संतति पैदा करने में सक्षम है। इसलिए मेंडल ने जो है मटर के पादप का चुनाव किया। ये थे मटर के पादप के चुनाव के कारण, और आप इनको आप जब सिस्टमैटिक ढंग से लिखोगे तब आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप किसी एग्जामिनर्स को भी सेटिस्फाई कर पाओगे। तो आई होप ये सारे आपको समझ में आए होंगे। आप पहले इनको लिखना अपनी कॉपी पर, फिर उसके बाद पढ़ना।